तो सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहली और बड़ी खबर पुणे से आ रही है, जहां पर भारी बारिश की वजह से दीवार गिर गई है और 14 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आपको बता दें, ये सोसाइटी की चार दीवारी थी जो कि ढह गई और दीवार के साथ ही मजदूरों की झुग्गियां लगी हुई थी, शेल्टर्स वहां पर थे और ये मजदूर यहीं पर काम करते थे। हादसा तालाब मस्जिद इलाके में हुआ है। बारिश में दीवार गिरने से 17 लोगों की, आपको हम बता दें कि 17 लोग इसमें दब गए थे और 14 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें कि 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि इस मलबे में 2 से 3 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहां पर लोग पहुंच चुके हैं और राहत का काम जो है वो जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जेसीबी की मदद ली जा रही है। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अभी तक रेस्क्यू टीम ने क्या कुछ काम किया है और जो लोग फंसे हुए थे उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए श्वेता, जो मलबे में लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का कोशिश चल रहा है, शायद कोई उसमें से जीवित ही बाहर निकल जाए। 2 गंभीर रूप से जख्मी है जिनको बाहर निकाला गया है, 14 लोगों की मौत है। लेकिन ये जो दीवार है, जो बड़ी सी 60 फीट की दीवार है और ये जो कंस्ट्रक्शन है कोंडवा इलाके में, कोंडवा पुलिस स्टेशन के आगे जो खड़ी मैदान है उस इलाके में तबलब मस्जिद के पास है और वहां पर ये घटना हुई है। लगातार बारिश तो हो रही है लेकिन कंपाउंड वॉल जो बहुत ही मजबूत होती है वो ढह गई है और वो टीन शेड पर गिर जाने से ये बड़ा हादसा हो गया है। जी पंकज, यहाँ पर समझना चाहेंगे, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीरें हैं। आपको बता दें, ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार जेसीबी की मदद से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता पंकज भी बता रहे हैं, 2 से 3 लोग अभी भी दबे हुए हैं इस मलबे में और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। पंकज, साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से राहत काम में और देरी और रुकावट भी आती है। उन्हें और आसपास किला पंकज, आपकी आवाज हुई है। जी जी, एक बार फिर से बताएं पंकज, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही थी हम तक। श्वेता, पुणे और आसपास के इलाके में लगातार बारिश हो रही। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से, दरअसल ये बाउंड्री थी, दूसरी तस्वीर में आप क्लैरिटी से देख पाएंगे यही वो बाउंड्री थी और अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यही दीवार बारिश की वजह से, हालांकि काफी मजबूत होती है ये बाउंड्री वॉल, लेकिन यही दीवार गिर गई मजदूरों के जो शेड वाले झुग्गी जो होते हैं जहां पर मजदूर रहते हैं टेम्पररी बेसिस पर, जब कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उस पर गिर गई, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पुणे से आ रही है, जहां पर भारी बारिश की वजह से सोसाइटी का जो बाउंड्री वॉल था वो गिर गया और इसके गिरने से 17 लोग इसमें दब गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 लोग दबे हुए हैं। आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात में ये हादसा हुआ है जहां पर मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है और लगातार राहत का काम चल रहा है, मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो बाउंड्री वॉल है जो कि गिर गया झुग्गियों पर और यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये जो फ्लैट है आप देख रहे हैं, इसका काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का और यहीं पर मजदूर जो काम करते थे उनके घर पर, उनकी झुग्गियों पर ये बाउंड्री वॉल गिर गया, जिससे कि 14 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है इसमें 4 बच्चे हैं जिनकी इस बाउंड्री वॉल में दबने से मौत हो गई है। और सुबह सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पुणे में भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से 14 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और इस वक्त की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। सोसाइटी की दरअसल ये 4 दीवारी थी जो कि भारी बारिश की वजह से कमजोर होकर ढह गई और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, दरअसल एक कंस्ट्रक्शन साइट भी वहां पर था जहां पर मजदूर काम कर रहे थे, उनकी झुग्गियां वहां पर थी और बीती रात ही ये घटना घटी है जिसमें कि 14 लोगों की मौत हो गई है। 17 लोग इसमें दब गए बताया जा रहा है। 2 लोगों को बाहर निकाला गया है जो कि गंभीर हालत में उन्हें बाहर निकाला गया है। अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, जेसीबी की मदद ली जा रही है और मलबे को हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पुणे में अभी भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खासी परेशानी हो जाती है। ये देखिए गाड़ी किस तरह से अटक गई है। दरअसल बाउंड्री वॉल
वहां पर था एक सोसाइटी का बाउंड्री वॉल और वहां पर कई गाड़ियां भी खड़ी हुई थी और जैसे ही ये बाउंड्री वॉल गिरी तो कई गाड़ियां भी आगे की तरफ आकर एक टीले से टकराकर वो अटक गई हैं। ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, अटकी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही होगी, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल था वो पहले से था और काफी मजबूत था बताया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से वो कमजोर हो गया और बाउंड्री वॉल, ये देखिए सामने आप झुग्गी देख रहे होंगे, टिन का शेड लगाकर मजदूर अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास आप देखते होंगे कि टिन के शेड लगाकर मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं उनका परिवार वहां पर रहता है और इसी पर ये बाउंड्री वॉल गिर गया, ढह गया, जिसमें कि 17 लोग दब गए थे, 14 लोगों की इसमें जान जा चुकी है जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर, पुणे से भारी बारिश की मार जिसकी वजह से पुणे में हाहाकार मचा हुआ है, एक बाउंड्री वॉल के ढहने की वजह से एक बड़ी घटना घट गई। देश भर में हालांकि आपको बता दें अब मुसीबतों की बारिश का दौर शुरू हो चुका है, बारिश ने पहाड़ों पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सैलाब घर तोड़कर आया तो हिमाचल के मंडी में पहाड़ धराशायी हो गया। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। इस सैलाब को देखकर ही दहशत होने लगती है। सैलाब के शोर में लोग दुबके और सहमे नजर आ रहे हैं। मोरी बाजार के चौराहे पर जब ये सैलाब आया तो अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने इलाके की सूरत ही बदल दी। दर्जनों घरों और दुकानों में मलबा भर गया। इतना ही नहीं, पानी घरों को फाड़ कर नाली की तरह बहने लगा। पहाड़ों को चीर कर ये सड़कों पर उतर आया है। तबाही की इस बारिश से पुरोला, उत्तरकाशी, देहरादून, हिमाचल में यातायात ठप हो गया। कई इलाकों में पेड़ और रोड बह जाने से रास्ते जाम हो गए। घर और दुकानों में रखा अनाज, फर्नीचर पूरी तरह से खराब हो गया। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी बारिश और भयानक भूस्खलन हो रहा है। मंडी में भारी लैंडस्लाइड देखने को मिली। यहां पहाड़ टूट टूट कर बिखर रहे हैं। सड़क पर चल रही गाड़ियां लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बची। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो मंडी की तस्वीरें आपको देखिए। अब मुंबई वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। जो यहां मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल सुबह हुई मॉनसून की पहली बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, सड़क समंदर बन गई और कभी ना थमने वाले शहर की रफ्तार सुस्त हो गई। पहली बारिश में पानी पानी हुई मुंबई, सड़कों पर आया सैलाब, मिलन सबवे में भरा पानी, उफान मारता अंधेरी का मैनहोल, बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार। वैसे तो पूरी मुंबई ही कल से इस समंदर में तैर रही है, लेकिन अंधेरी के मिलन सबवे से आई ये तस्वीरें सबसे ज्यादा खौफनाक हैं। सीसीटीवी में कैद हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे गहरे पानी में 5 गाड़ियां फंस गई हैं। सभी गाड़ियों के शीशों तक पानी चढ़ गया है। कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को पुल के नीचे गुजारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और एक एक करके सब वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग भी जमा हो जाते हैं और धक्के लगाकर गाड़ियों को मौत के कुएं से बाहर निकालते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि पुल के आगे और पीछे दोनों तरफ पानी गहरा है। एक पल के लिए तो लगा कि पीछे लौटती हुई ये कार पानी में समा जाएगी।
ठीक इसी जगह पर एक और बड़े हादसे की सूरत बन गई। पानी से भरे सबवे को एक ऑटो वाले ने पार करने की हिमाकत तो कर दी, लेकिन पुल के नीचे पहुंचते पहुंचते पानी के थपेड़ों ने ऑटो पलट दिया और उस पर सवार महिला पानी में डूबने लगी। जैसे तैसे महिला पुल के किनारे तक पहुंच गई और यहां पुल पर मौजूद लोगों ने उसे ऊपर खींचकर उसकी जान बचा ली। अब देखिए मुंबई के मैन होल का हाल। ढक्कन नाच रहा है और पानी है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरी अंधेरी का ऐसा ही हाल है। अंधेरी अंडरपास का हाल देख लीजिए। पूरे शहर का पानी अंडरपास की ओर बढ़ रहा है। गाड़ियां बंद हो गई हैं। देखिए कैसे बाइक सवार पैदल हो गया है। पानी के बहाव के बीच अपनी बाइक को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है। इंसान तो इंसान, जानवरों की भी जान पर बन चुकी है। देखिए कैसे सैलाब के बीच ये कुत्ता फंस गया, जिसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। पूरी मुंबई को बारिश ने अपने आगोश में ले लिया। किसी भी गली में चले जाएं, सड़कों पर सैलाब के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुंबई वालों को अभी राहत मिलना आसान नहीं है। अगले 24 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट है, जो शहर की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो। और अब बात देश का मान बढ़ाने वाली तस्वीर की। भारतीय सेना के महाराष्ट्र के देवलाली स्थित तोपखाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एक साथ फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। रॉकेट लॉन्चर की ट्रेनिंग प्रैक्टिस के ही कुछ वीडियो ये सामने आए हैं। देवलाली सेंटर में जिस पहाड़ी पर ये रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दुश्मन की चौकी या फिर बंकर को ध्वस्त करने में इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जाई हुई पहाड़ियों पर इन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया था। जिस तरह वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, ये लॉन्चर्स ऐसे ही दुश्मन की चौकियों को तबाह करते हैं। और अंबाला में एक पक्षी के टकराने के बाद वायुसेना के एक जैगुआर विमान की लैंडिंग हुई थी, लेकिन उससे पहले पायलट ने फाइटर जेट को क्रैश होने से बचाने के लिए उसके फ्यूल टैंक को गिरा दिया था, जिसका वीडियो भारतीय वायुसेना ने रिलीज किया है। ये हैरत अंगेज वीडियो है अंबाला में वायुसेना के विमान जैगवार के टेक ऑफ के दौरान हुए हादसे का। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जैगवार ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से अभी उड़ान भरी ही थी कि अचानक प्लेन की रफ्तार कम हो जाती है। जैगवार विमान महज 17 सेकंड बाद पक्षियों के झुंड से टकरा गया। पक्षियों से टकराते ही जैगवार के एक इंजन में खराबी आ गई। एक इंजन में खराबी का मतलब था विमान के साथ कुछ भी हो सकता था। पायलट ने भी खतरे की गंभीरता को समझने में देरी नहीं की। पक्षियों से टक्कर के चंद सेकंड में ही पायलट ने विमान से 2 अतिरिक्त ईंधन टैंक और कैरियर बम लाइट स्टोर स्पॉट को जमीन पर गिराने का फैसला ले लिया। तस्वीरें देखिए किस तरह टैंक और CBLS पॉड्स विमान से अलग होकर जमीन की तरफ गिर रहे हैं। टैंक और CBLS पॉड्स जैसे ही जमीन पर गिरते हैं, उसमें जोरदार धमाके की आवाज के साथ आग लग जाती है। आग लगने के बाद काफी ऊपर तक आग का गुबार उठता है और उसके बाद पूरे आसमान में काला धुआं छा जाता है। लेकिन त्वरित और सही फैसले की बदौलत पायलट जैगवार को सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब रहा। वायुसेना ने वीडियो ट्वीट करते हुए जैगवार के पायलट की सूझबूझ की तारीफ की है। वायुसेना के मुताबिक पायलट की त्वरित सोच ने न सिर्फ लड़ाकू विमान को बचा लिया, बल्कि एयरफील्ड के आसपास रहने वाले तमाम लोगों की जिंदगी भी बचा ली। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।
गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन बनकर तैयार हुआ है। जी हां, करीब 200 किलो चॉकलेट से बनकर यह फाउंटेन तैयार हुआ है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चॉकलेट फाउंटेन को दर्ज करवाने की कोशिश में इसे तैयार किया गया है। इसे 10 दिनों में 12 कर्मचारियों ने 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किया है। इस चॉकलेटी फाउंटेन की ऊंचाई 2.9 मीटर है तो इसकी चौड़ाई 4.9 मीटर है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।